रामपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासनिक टीम का विरोध। कोर्ट के आदेश पर अवैध रूप से बनी दीवार गिराने पहुंची थी प्रशासनिक टीम, लोगों ने बुलडोजर पर किया पथराव, 5 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की है। यहां चड्डा ग्रुप के अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग का निर्माण 4 साल पहले हुआ था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बाराबंकी में डीएम के निर्देश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मामला नगर कोतवाली के गदिया गांव का है, जहां नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। गोंडा में प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के पल्हापुर में 125 बीघा तालाब में अवैध कब्जा हटाया गया। जिला प्रशासन ने 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की। लखनऊ के जोन 3 के मौदा इलाके में 10 साल पहले की गई अवैध प्लॉटिंग पर गुरुवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी चलाई, बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से मून सिटी और ड्रीम सिटी के नाम से की गई थी प्लॉटिंग। लखनऊ के मोहनलालगंज में भी प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तकरीबन 25 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। टिहरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन की टीम ने हटाया अतिक्रमण। नोटिस के बावजूद खाली नहीं की गई जमीन, प्रशासन पर लोगों ने लगाया मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप। कन्नौज में दबंगों का कहर देखने को मिला है। बीच सड़क पर दबंगों ने बाप बेटे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना खटिया थाना क्षेत्र के खैर नागर तिराहे की है। लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद इंडियन बैंक में आग लग गई। बैंक के तीसरे फ्लोर पर आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर से मारपीट कर 45,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद बदमाशों ने उसकी कार को भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर घंटों कार धूप होकर चलती रही और खाक हो गई। वाराणसी में बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। सभी लोगों को बिल्डिंग से सुरक्षित निकाला गया। कल देर रात सिगरा थाना क्षेत्र में रिहायशी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर आग लगी थी। मेरठ में टेंट के गोदाम में भी भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। देर रात लगी भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी बन गई। फतेहपुर में 85 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जिले के 4 थाना क्षेत्र में गुरुवार को भीषण आग लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके खेतों में आग लगी है। सभी ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई।